नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम में चिप है, वह हैक हो सकती है। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद एक बार फिर ईवीएम विवाद को हवा मिलनी तय है। प्रदेश में 28 सीटों पर मंगलवार को उपचुनाव के तहत सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस से बागी होकर विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई इनमें से 25 सीटों को लेकर बयानबाजियों का दौर अब भी जारी है। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने वोटर से अपील की है कि कमलनाथ ने एक ट्वीट कर उपचुनाव में जनता के मतों को साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यह साधारण चुनाव नहीं है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, आज वो अवसर आ गया है जब हमें अपने बहुमूल मत का उपयोग कर सच्चाई का साथ देना है। ये उपचुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव प्रदेश के भविष्य की दशा दिशा तय करेगा। देश भर में स्वच्छ, नैतिक और ईमानदार राजनीति का संदेश देगा। आपका एक एक मत लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में सहभागी बनेगा, जनमत का सम्मान बढ़ाएगा, प्रदेश के नवनिर्माण में सहभागी होगा और अवसरवादी ताकतों को सबक सिखाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करने की अपील की है। शिवराज ने कहा कि आओ मिलकर बनाएं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, निडरता और निष्पक्षता के साथ मतदान करें। आपका एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अगर अभी तक वोट नहीं डाले तो निकलिए मतदान कीजिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान ही लोकतंत्र की आत्मा है। मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मेरा आपसे निवेदन है, निष्पक्षता और निडरता के साथ मतदान जरूर करें और अपनी अपेक्षाएं पूरी करने वाली सरकार चुने। याद रखिए, आपका एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूती देगा। अगर अभी तक वोट नहीं डाले तो निकलिए मतदान कीजिए। आओ बनाए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान के साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ सुबह के समय राजधानी भोपाल के प्रसिद्ध गुफा मंदिर पहुंचे, जहां भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वह सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो सभी चीजों का उपयोग करती है, लेकिन जब कोई पार्टी पिटती है तो वह प्रशासन, रुपया, पैसा, शराब, सभी तरह के हथकंडे अपनाती है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए वह इस तरह के सारे हथकंडे अपना रही है। पार्टी चुनाव हारती है तो सब चीजों का उपयोग करती है, पर जब कोई पार्टी पिटती है तो कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रशासन, पुलिस, पैसा, शराब, सब कुछ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं हैं। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। मताधिकार का प्रयोग करने के बाद सिंधिया ने कहा कि जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है, एमपी के लिए आज का दिन अहम है, 28 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। कांग्रेस के प्रलोभन देने के आरोपों पर सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की आदत है ऊंची राजनीति करने की, बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते वोट डालकर गर्व हो रहा है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त अलग छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। महगांव पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे को हिरासत में लिया है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हेमंत कटारे ने कहा है कि पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। बताया गया कि पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कांग्रेस उम्मीदवार के भाई कई बूथों पर फर्जी मतदान करवा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
प्रदेश के चर्चे सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में भाजपा कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी मतदान नहीं कर सकेंगे। दोनों ही प्रत्याशी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं। भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत जहां नरियावली विधानसभा के जेरे गांव के हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू सागर विधानसभा की रहने वाली हैं। भोपाल के न्यू मार्केट के पास मालवीय नगर स्थित पंचानन बिल्डिंग में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 6 से अधिक फायर स्टेशन से 15 से अधिक फायर की 25 गाड़ियों को लगाया गया। आग को देखते हुए मंत्रालय और भेल तक की फायर टीम को बुलाना पड़ा। सुबह 7:30 बजे तक आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। आग बिल्डिंग के टॉप पर लगी थी, हालांकि अब इसमें किसी का हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। इससे पहले न्यू मार्केट में दुकानें 25 दिन में 2 बार आग लग चुकी है। बिल्डिंग में कई ऑफिस हैं। चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी से थर पहाड़ गांव के लिए निर्माण की जा रही सड़क में खुदाई के दौरान एक विशाल गुफा मिलने से पूरे क्षेत्र में कोतूहल मचा है। जैसे ही खबर फैली, ग्रामीणों की सूचना पर नायब तहसीलदार ने स्थानीय राजस्व अमले के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया। चित्रकूट परिक्षेत्र के पर्वतों में पौराणिक महत्व को देखते हुए जिला प्रशासन गुफा की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि पुरातत्व विभाग के लिए भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गुफा मिलने की खबर मिलते ही उसे देखने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। अप्रिय घटना को देखते हुए गुफा का द्वार प्रशासन ने बंद कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ गुफा मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय में बने चुनावी कंट्रोल रूम में बैठकर वे प्रदेश के 28 उपचुनाव वाले क्षेत्रों में चल रहे मतदान पर नजर बनाए हुए हैं। उनके साथ चुनाव की पूरी टीम भी कंट्रोल रूम में बैठकर मतदान वाले क्षेत्रों से सीधे संपर्क बनाए हुए हैं और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ सारी स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस बात की पहले से ही आशंका थी, लेकिन यह कितनी कोशिश कर लें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता इन्हें चुनाव हराना चाहती है। भाजपा पुलिस प्रशासन के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। जनता चुनाव लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो पूरा प्रशासन और शासन कितनी कोशिश कर ले कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसा हम लोगों ने पहले से ही आगाह कर दिया था कि जनता इन्हें हराना चाहती है, अब ये केवल प्रशासन के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। कई जगह शिकायत आ रही है कि गरीबों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनसे बैलेट जो उनकी जो वोटर स्लिप है वो BLO से ज़बरदस्ती छुड़ाकर भाजपा के उम्मीदवारों ने अपने पास रख ली है। ऐसी कई शिकायतें आई हैं जिनके बारे में हम लोगों ने ऑब्जर्वर्स के संज्ञान में लाए हैं। कुछ जगह फायरिंग भी हुई है, एक कुशवा को गोली भी लगी है। तो ये इस तरह का जो ये प्रशासन पर दबाव डालकर और पुलिस के माध्यम चुनाव जीतना चाहते हैं, ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। ये चुनाव तो लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच में है और हमें विश्वास है कि लोकतंत्र विजय होगी। शिवपुरी जिले की पौरी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर मतदान में आज क्षेत्र के बुदड़ा गांव के ग्रामीणों ने अपने विस्थापन की मांग को लेकर विरोध स्वरूप यहां मतदान का बहिष्कार कर दिया। बुदड़ा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि अपर कैक्टो डैम के निर्माण के दौरान उनका सही ढंग से विस्थापन नहीं किया गया और इसलिए विरोध स्वरूप वह मतदान नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने शिवराज सरकार सहित कई वरिष्ठ नेताओं को अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए विरोध के कारण वे उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार कर रहे हैं और किसी ने भी यहां पोलिंग क्रमांक 7 और 8 पर वोट नहीं डाला। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि सुनवाई न होने के कारण वह मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार कर रहे हैं। मतदान इसलिए नहीं कर रहे भैया, तीनों तरफ से पानी भरोबर निकले, कोई जगह नहीं है, मोड़ मोड़ी पढ़ाई पढ़ाई हो नहीं रही और जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, गवर्नमेंट कोई सुन नहीं रही। हमारे 4-5 साल से भोपाल जा रहे, 50-50 आदमी भर के पहुँच गए, नरेंद्र सिंह के पास पहुँच गए, शिवराज सिंह के पास पहुँच गए, सिंधिया के पास पहुँच गए। अब बच्चों को अब तो बच्चे तो हमारे प्राण हैं, ये प्राण ने गवर्नमेंट ले लिए तो फंदो कटे और बोर्ड बोर्ड कब नहीं डाल रहे। हमारे यहाँ बाढ़ का पानी चारों तरफ से भर जाता है, कोई रास्ता नहीं रहता है। जोर से बोलो क्या? जोर से। हाँ, कोई रास्ता नहीं रहता है, चारों तरफ पानी भर जाता है और कोई रास्ता नहीं रहता है। तथा हमारे गांव की मूलभूत सुविधा की शासन ने 8 साल से बंद कर रखी है, बच्चों के जैसे पढ़ाई आंगनबाड़ी के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।